के बारे में कहना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। मैं कल बदल दूंगा और मैं आज बदल दूंगा, मैं कल बदल दूंगा और मैं आज बदल दूंगा, अब क्या आप बार बांध चुका इतिहास बदल दूंगा। साहब ने कहा था कि भाई शेर से लड़ने वाली बात थी कि शेर से लड़ेंगे तो मर जाओगे, मैं समाज के लिए 2 शेरों से एक साथ लड़ूंगा, 2 आ जाए 5 आ जाए, समाज के नाम पे 5 साल के बाद आज भी मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं मरूंगा जरूर, क्योंकि समाज की इज्जत का सवाल है, हमारे पूरे बीसीडी का सवाल है और पूरी कम्युनिटी का सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि वोट मुझे दो, सुमन सिंह को दो या जितेंद्र को दो, अगर समाज के अंदर कुछ करना है तो अपने समाज को वोट दो और बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, हीरा किससे कब कहे, लाख टका मेरा मोल, मेरा मोल लगाना है तो हमारा काम देखो, हमारा नाम देखो, समाज के प्रति डिवोशन देखो। मैं यहाँ कुछ भी कह के चला जाऊं, मैं मुझे कुछ यहाँ नहीं कहना। सुजीत भाई एक आपने सुनाया था दुष्यंत की कविता कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, अरे आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए और हर सड़क पे हर गली हर मोड़ पे हर राह में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। हम यहाँ आग लगाने आए हैं बीसीडी के इलेक्शन में। मैं नहीं कहता मुझे 1 नंबर की वोट दो, आपको लगता है सुमन सिंह जी जीत रहे उन्हें जिताओ, आपको लगता है जितेंद्र भाई जीत रहे उन्हें जिताओ, समाज का रिप्रेजेंटेटिव आप लोग दो, तन दो, मन दो, धन दो और गन दो। एक बंदा जाना है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी बीसीडी के कैंडिडेट से और मुझसे भी कि मैं वहां काजू खाने ना जाऊं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं बीसीडी गया तो सभी पैनल में रिजर्वेशन हो, सभी मीडिएशन में रिजर्वेशन हो, रिसीवर में रिजर्वेशन हो, और जब हाई कोर्ट में हमारा बंदा एलिवेट हो तो हमारे समाज से हो, जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो तो हमारे समाज से पूछ के हमारे बंदों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वहां हो, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमारे लिए हमें मुद्दे तय करने हैं, हमें डीएलएससी में तो सबको बना देते हैं कि डीएलएससी का काउंसिल, अरे जब पैनल में रिजर्वेशन है तो पैनल में क्यों नहीं देते, जब हाई कोर्ट में हमारे लिए आप एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है तो हमें हाई कोर्ट में क्यों नहीं देते, हमें सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं देते कि कोठी कुंभा के हाथ मत लगाई हो, घर बार सब तेरा है, अरे सालों नहीं चाहिए डीएलएससी में हमें, हमें चाहिए तो स्टैंडिंग काउंसिल हमारे बनाओ, हमें बार में बार का रिजर्वेशन, अब की बार में नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन दिया गया एज बेस्ड पे कि मिनिमम 13 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर दी कैंडिडेट हु आर प्रैक्टिसिंग मोर देन 10 इयर्स। नहीं है रिजर्वेशन नहीं है क्या, 6,500 की हमारी वैल्यू, 10 से 12% लोग हम, हमें 10% ही दे दीजिए, अगर हम 10% भी जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जय भीम, नमो बुद्धाय।